क्या बात है भाई, वो वाला सीन नहीं था वो सांस भी कभी लाइनिंग कार Assalamualaikum, this is Amir. आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो है ट्रैवलिंग पर। आप बोलेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं फिर टूर शोर पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इवेंट के लिए जा रहा हूँ और मैं अपनी स्पाइडर बाइक पे भी नहीं जा रहा, मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ और मैं लाहौर जा रहा हूँ। मेरे साथ दाऊद और इकबाल भाई हैं। मेरा जो ये टूर ही कहने से एक किस्म का, क्योंकि 10 दिन के लिए जा रहे हैं जिसमें से 20 और 21 को इवेंट है, फिर 2 दिन का गैप है। वो जो 2 दिन का गैप है उसके अंदर हमने ये प्लान किया है कि शायद हम आगे चले जाएं, हो सकता है शायद ना भी जाएं, कुछ कंफर्म नहीं है। अभी वहीं चल के पता लगेगा क्या सीन है और क्या होगा। फिर उसके बाद हमारा एक दिन छोड़ के हमारे इवेंट होंगे, तो इंशाल्लाह 27 तारीख को मैं वापसी बैठूंगा और 28 को बैठूंगा, फर्स्ट को मैं यहाँ वापसी आ जाऊँगा मार्च की। मैं वेट कर रहा हूँ इकबाल भाई और दाऊद का, तो ये लोग आएंगे तो हम निकलेंगे। वैसे मैंने सोचा हुआ था मैं अपना व्लॉग जो स्टार्ट करूँगा मैं कैंट स्टेशन से करूँगा, मगर इनका वेट करा तो मैंने चलें इंट्रो यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं, रास्ते के कुछ आपको शशके दिखा दूँगा मैं। तो चलें चलते हैं, आपको फिर मैं इकबाल भाई और दाऊद से मिलवाता हूँ, आ जाए। हाँ भाई, सीन ये है कि यार गाड़ी में बैठ चुके हैं और करीम हमने मंगवा ली है। दाऊद और पाजी आ गए मेरे पास, इकबाल पाजी, तो आपको सबसे पहले तो पाजी से मिलवाते हैं, मगर पाजी आ गए हैं। हाँ पाजी, क्या कहते हैं आप, क्या हाल चाल है पाजी? अल्लाह की रात सुनाए। हाँ पाजी, क्या सीन है? सीन ये है कि इंशाल्लाह निकल गए हम लोग लाहौर के लिए और अभी 3 बजे की ट्रेन है हमारी और इंशाल्लाह फिर वहाँ सुबह 9 बजे की हमारी है पहुँचने की टाइमिंग, तो देखते हैं सफ़र कैसा गुजरता है। ये तो आगे का किसी को नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। आप लोगों की दुआएँ होनी चाहिए, इंशाल्लाह खैरियत से जाएँ, हम खैरियत से आएँ और बाकी बीच में रास्ते में फिर दोबारा आपको कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे। हाँ दाऊद साहब, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ये सफ़र शुरू हो गया है, बताइए अब देखते हैं स्टेशन पहुँचते हैं, स्टेशन पे फिर ट्रेन पे देखते हैं क्या ट्रेन की क्या सूरत हाल है। पिछली दफा थोड़ा बैड फील हुआ था ना, क्या अब देखें वहाँ पर ट्रेन के हमारे साथ साथी कौन मिलता है। जिना हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी जो ट्रेन है वो जिना है, जिना एक्सप्रेस, और इकबाल भाई मेरे साथ ही हैं। सामान वामान बड़ी मुश्किल से रखा है हम लोगों ने, आगे की कहानी तो आगे ही पता चलेगी, क्योंकि अभी तो शुरू हुई है सफ़र और पहला व्लॉग है मेरा आमिर के साथ, पहली दफ़ा। हाँ, कई दफ़ा कहा लेकिन बिजी रहा, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बन गया प्रोग्राम, तो देखते हैं आगे क्या क्या इन्जॉयमेंट होती है। अभी तो खैर पहला स्टॉप है, मगर ये कि मुझे लग रहा है ये वाला व्लॉग ज़रा अच्छा ही बन जाएगा, क्योंकि वीडियो का एक्सपर्ट मेरे साथ ही जा रहा है तो देखते हैं, चलें आए। आपको ट्रेन को धक्का ना लगाना पड़े, बाकी खैर। हाँ बस धक्का ना लगाना पड़े तो भी खैर है। चलें जी भाजी, आगे के सीन दिखाते हैं आप लोगों को आगे। जे और वीरू, मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों ना यहाँ से जंप मार दें और जंप मार के फुल फिल्म में सीन कर देते हैं। मैं लेकिन ये खैर फिल्म नहीं है तो इसलिए हम स्किप करते हैं। हकीकत है और ये खतरनाक हो सकता है, तो इससे बेहतर है कि ये ख्याल यहीं रहने दें। यहीं रहने दें। तो हमारा ट्रेन चल पड़ी है लेकिन हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन है ही नहीं, हमारी ट्रेन तो अभी खड़ी हुई है। हमारी ट्रेन फिर टाइम पर जाएगी, हमारी ट्रेन हो सकता है शायद लेट भी हो जाए। 3 बजे का टाइम है भाई, टाइम क्या हो रहा है? टाइम बस 15 मिनट रह गए, 15 मिनट रह चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ निकलते हैं। हमारे ट्रेन का टाइम हो रहा है, दाऊद बैठा हुआ है, ये ना वो बोले बात नहीं, छोड़ के भाग गए। क्या बात है भाई, वो वाला सीन नहीं था वो सांस भी कभी
डाइनिंग कार भाजी, ये ड्रामे में मैंने देखा था, ये डाइनिंग कार है, तो इंशाल्लाह हम लोग खाना यहीं पर ही खाएंगे आकर तो। मगर ये अच्छा है कि एक बोगी छोड़ के आगे वाली बोगी है हमारी, तो बड़ा मज़ा आने वाला है यार, सफ़र अच्छा गुजरे यार। रिसाले नज़र नहीं आ रहे, रिसाले कहाँ हैं भाजी, रिसाले हमारे यहाँ भी नहीं है, और अच्छा माहौल है। हाँ भाई, देखते हैं बनता क्या था खाना। हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे यार। ट्रेन में सफ़र करते हैं तो दाऊद से हम एक फरमाइश करते हैं, अब पता नहीं वो फरमाइश उसने पूरी की है नहीं की है, वो देखते हैं। तो देखते हैं दाऊद लेके क्या आया, वो आपको दिखाते हैं वहाँ। क्या बात है भाई, ये वही चीज़ लेकर आया है, पास्ता। अक्सर हम लोग पास्ता ही खाते हैं, ठंडी हमारे लिए बनाती है बड़े प्यार से। ऐसे ही भाजी, यही भाई। हाँ भाजी, क्या बोलते हैं आप पास्ता के बारे में? पास्ता देखने में अच्छा है, एक बाइट लेता हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार। आपने मैंने बहुत अच्छा बनाया दाऊद, थैंक यू भाजी, थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें यार, सफ़र में आप अपनी अम्मी का हाथ का खाना ना खाएं तो मज़ा ख़राब हो जाता है, तो अम्मी ने बड़े मज़े से बिरयानी बना के भेजी, तो आए चेक करते हैं। सीन ये है कि हालत हो चुकी है टाइट बहुत ज़्यादा ही, 10 बज रहे हैं, ट्रेन लेट हो चुकी है, उसने हमें पहुँचाना था 7:30 बजे और 9:45 पत्नी 9:30 बजे उसने हमें ट्रेन में उतारा, तो सामान उतारने के चक्कर में लग गए, फिर स्टेशन से बाहर आ गए, बाहर आने के बाद अब गाड़ी में बैठे हैं, तो अब हम जा रहे हैं होटल। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आपको कैसा लगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मिलेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, आराम करने के बाद फिर हमारा दोपहर में डे शूट है, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।
Yeah.